हेलो गाइस, वेलकम टू द रिचा व्लॉग। मैं हूँ रिचा और मैं भी जा रही हूँ दूध लेने। शाम का टाइम हो चुका है, दूध दिन अभी जा रही हूँ। मैं भी शाम को जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है और मैं बाहर निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ दूध लेने। ये देखिए गाइस, इधर ही पार्क है और यहाँ पे भागवत हो रहा है। दिखा देती हूँ। और मैं आगे आ चुकी हूँ। वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसी बार हम दूसरे को काम कर रहे थे, आज ही थोड़ा चेंज करके चुके। गाइस हम दुकान पर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं और देखिए हम दूध ले रहे हैं। नहीं नहीं देखो, ये देखो इसकी बनाया करो, ये चॉकलेट कितनी अच्छी चॉकलेट आ रही है। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी सारी चॉकलेट्स रखी यहाँ पे। लाइट जला देता हूँ, लाइट जला देता हूँ, फिर आएंगे। कितना सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। चॉकलेट्स देखिए कितनी सारी अलग अलग ब्रांड। बहुत अच्छी लग रही है। और ये प्लम केक है। ये क्या है? प्लम केक। ये देखिए गाइस, ये अचपम है। अचपम बोलते हैं। अचपम ये कैसे? ये अचपम होता है। और ये प्लम केक है। ये देखिए प्लम केक है, कितने का आता है? ये है 160 का। 160 का आता है प्लम केक है। ये है देखो, ये देखिए, ये क्या? ये भी प्लम केक ही है। ये देखिए कितने अच्छे पैक में आता है ये, और अभी और काफी सॉफ्ट भी होता है। ये चॉकलेट से बने होते हैं। यहाँ चॉकलेट चॉकलेट से बने होते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और भी देखिए कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देख सकते हैं अंकल के यहाँ इतनी सारी चीज़ें। और ये रहे अंकल, हेलो कर दो अंकल। ये है अचपम। ये देखिए गाइस, ये अचपन है। ये बिस्किट टाइप का होता है? नहीं, ये कोकोनट मिल्क से बनता है। कोकोनट मिल्क से बनता है। ये कितने का आता है? इसमें राइस होता है, कुछ दाल वगैरह होती है और लाइट मीठा होता है। कितने का आता है ये? ये 45 का। 45 का आता है ये। और इसे अचपम कहते हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा और लेगा जरूर। नहीं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, पर अचपन डाल के और आ जाए। नहीं, अभी न्यू देखा है मैंने, इसे खाए थे पहले कभी टेस्ट। गूगल में इसकी वो आ जाएगी पूरा किस तरह बनता है।
और गाइस ये देखिए अंकल यहाँ दूध दे दिए, मैं अभी उन्हें पैसे भी दे देती हूँ। हाँ ये देखिए गाइस ये वो दुकान है और फूलकल अभी मुझे पैसे दे रहे बचे हुए। यहाँ पे देखिए कितने सारे ब्रेड रखे हुए हैं, मतलब अंकल के सामान बहुत सारे हैं, दुकान ही बस छोटी है थोड़ी सी। इस दुकान में सामान बहुत होता है, बहुत सामान है इस दुकान में, दिखने में ऐसी थोड़ी बहुत छोटी सी लगती है। बहुत सामान आता है इसमें, गिनती नहीं है कितना सामान आता है। सही है, इसमें कुछ भी रख सकते हो, कपड़े टांगने की रस्सी, बर्ड्स, कुछ भी रख सकते हो। और गाइस हम लोग आगे आ गए हैं घर के तरफ चल रहे हैं, मैं इसी रोड से डेली स्कूटी जाती हूँ। अंकल वहाँ पे सारे सामान दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, साउथ साइड के भी वो रखते हैं सामान, साउथ की एक नमकीन आती है वो भी बहुत अच्छी होती है, हम लेते हैं उसे वहीं से भी। और वो जो कहते हैं अचपम वो भी साउथ की थी, काफ़ी साउथ के लोग हैं तो वो लेते हैं। 45 का था वो, आप चाहते बार ट्राई कर सकते हैं। गली में आ चुके हैं और भागवत कंटिन्यू रखा हुआ है सबने। घर पहुँचे हुए बस, आज संडे है लेकिन आज ऋषि का ट्यूशन है 5:30 बजे का और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे काम चल रहा है पूरा साथ में दूर दूर। ये देखिए यहाँ पर ऋषि भी आ गया है, और मैं शादी हूँ सीढ़ियाँ ऊपर पहुँच के मिलती है आप सबसे, पर कपड़े में सबसे ऊपर वाले पड़ने की। और ये देखिए गाइस ये स्टार है, ये आंटी क्रिश्चियन है तो ये अकेले क्रिसमस मनाएंगी, सो इसलिए यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हुई है। रात को मैं आपको दिखाऊंगी इन सब चीज़ों को, अभी दिख नहीं रहा और अभी मैं अंदर जा रही हूँ कमरे में। और अब हम अंदर आ चुके हैं, बहुत थक गए, मैं बहुत दूर गई थी घर के, मतलब इतने भी पास नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हम बालकनी में आ चुके हैं और ये देखिए ये आंटी ने अपने बालकनी में देखिए स्टार लगाए हैं, ये क्रिश्चियन इस वजह से क्रिसमस मनाते हैं। हम जाएंगे इनके यहाँ, आपको दिखाएंगे क्रिसमस के दिन, काफ़ी अच्छा क्रिसमस मनाती है आंटी। और अभी तो बहुत डेकोरेशन करनी है उन्हें, अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लड़ी भी बाहर लगाई हुई है बालकनी में जैसे हम लोग अपनी दिवाली पे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी तो उन्होंने इतने कुछ खास अभी डेकोरेशन नहीं किया है, बट अभी 24 या 25 दिसंबर को जब मैं जाऊंगी तब आप देखना कितना ज़्यादा अच्छे से तैयारी हुई होगी वहाँ, काफ़ी अच्छे से 25 दिसंबर को क्रिसमस है, बट मैं 24 को ही जाऊँगी, वहाँ के डेकोरेशन दिखाऊँगी आपको, फिर 25 को तो मैं अपने मज़े करने जाऊँगी। और गाइस मैं भी जा रही हूँ छत पे, ये देख सकते हैं हमारा छत है और ये बहुत बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ से पूरा मार्केट दिखता है, देखिए कितने ऊपर है फैक्ट्री में, ये देखिए गाइस पूरी मार्केट है उधर तक, वो देख सकते हैं उधर साइड में पूरी मार्केट ही मार्केट है, देख सकते हैं कितना बड़ा छत है हमारा। इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, एक गंदी बात हुई गा। और ये देखिए गाइस ये कितने सारे पेड़ पौधे हैं लगे हुए हैं, और एक स्कूल है बच्चों का जिसमें खूब सारे फ्लैग लगे हुए हैं छतों पे,
देख सकते हैं आप। वहाँ काफ़ी सारे घर दिखते हैं इधर से, इधर साइड में भी देखिए। और अब हम चलते हैं इस तरफ। देखिए गाइस, हम जहाँ पहले पार्क में गए थे वहाँ पे वो वाला पार्क दिख रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे पेड़ भी है। ये यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, जिससे मैं कह रही थी कि मेरे घर के सामने एक पार्क है, तो पार्क वो है। और अभी जहाँ मैं भागवत के लिए गई थी वो उधर साइड में जो पेड़ दिख रहा है उधर साइड में, वहाँ पे हम गए थे। मतलब दो तीन पार्क है हमारे घर के ही सामने। और अभी हम बालकनी में अगर देखें तो वो पार्क, तो ये दोनों ही पार्क एकदम अच्छे से दिखते हैं हमें। इधर देखिए गाइस, वो जो घर दिख रहा है, यहाँ पे पहले मैं ट्यूशन पढ़ती थी बट अभी तो मैंने छोड़ दिया। मैथ साइंस का पढ़ती थी बट अब छोड़ दिया मैंने, अब मैंने दूसरी जगह ले लिया MSc में। और ये देखिए ऋषि यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे पेड़ दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये दूसरी तरफ की रोड है, हमारे गली से नहीं जा रही है, हमारे घर के पीछे वाली रोड है। और यहाँ पे खड़ी हूँ। और ये देखिए ऋषि है, और अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे छत पे कुछ पौधे लगाए हुए थे आंटियों ने। ये देखिए ये धनिया है, देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। मेरे बगल वाली आंटी ने इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दी थी, खाली गमला था, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी धनिया की पत्तियाँ आई हैं। और ये देखिए तुलसी कितनी बड़ी हो गई है, जबकि इसमें बहुत छोटी सी पत्ती लगाई थी और बहुत बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ से दूसरी आंटी का छत, ये देखिए इधर साइड में। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ, ऋषि का ट्यूशन में टाइम भी होगा। यहाँ पर देखिए सारा कबाड़ है, और गाइस अब अंदर आ चुके हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दूध बॉयल करने, और ऋषि का टाइम है मेरा ट्यूशन का, तो अब वो ट्यूशन जाएगा और मैं भी फिर बैठ के पढ़ाई करूँगी। उसका एग्ज़ाम इस वजह से आज उसका संडे को ट्यूशन है। वैसे एग्ज़ाम तो मेरा भी है कल साइंस का, बट मेरा ट्यूशन भी था, SST का टेस्ट था, बट मैं गई नहीं क्योंकि मेरा साइंस का, मुझे साइंस की तैयारी करनी थी। तो बस अब मैं रखती हूँ, और आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और थैंक यू, बाय बाय।